हेलो एंड वेलकम टू एमन एंड फ्रीज। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे पेट्रोल बचाया जाए और ज़्यादा आपकी माइलेज अगर आपकी 40 है तो उसे 45 कैसे किया जाए, 50 कैसे किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ है, हर इंसान की ड्राइविंग जो स्टाइल होती है वो अलग होती है। मैं एक चीज़ और आपको बताऊँगा जो काफ़ी आप सुन के दंग रह जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपको थ्रॉटल जो है यहाँ पे जो आपके हाथ में होता है इसे थ्रॉटल बोलते हैं, इस पे आपको बहुत स्मूथ होना पड़ेगा। स्मूथ का मतलब ऐसे आप सडन एक्सेलरेट और सडन डिसेलरेट ना करें। जैसे आपको वहाँ रोकना है, ब्रेक करना है, तो आप धीरे धीरे छोड़ दें इसे और धीरे धीरे बाइक को वहाँ जाके रुकने दें, ठीक है। और मतलब ब्रेक का इस्तेमाल कम करें। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि आप इमरजेंसी और आप ब्रेक बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ब्रेक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, लेकिन जहां इस्तेमाल करना है सिर्फ वहीं इस्तेमाल करें। ऐसे बिना वजह आप एक्सेलरेट करके फिर अचानक से डिसेलरेट ना करें, उसमें पेट्रोल आपका जाता है। और एक बात और बता देता हूँ, अगर आपकी बाइक फ्यूल इंजेक्शन वाली है तो आप इसको पेट्रोल का लेवल कम से कम आधा टंकी रखें। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो गाड़ी को जो मेंटेन करके चलें, जैसे जो इंजन है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ इसका आपका पेट्रोल जलता है, वो स्मूथ चलना चाहिए। अगर वो स्मूथ चलेगा बिना फ्रिक्शन के तो काफ़ी लंबा चलेगा, काफ़ी अच्छा चलेगा। तो आप ये करें कि जो इंजन में जो ऑयल है, जब आपका टाइम ख़त्म हो जाता है या जितना रिकमेंडेशन किलोमीटर है उस किलोमीटर तक ही चलाएं, उससे ज़्यादा ना चलाएं। और जब आपको मतलब चेंज कराना हो तो चेंज करवा लें। और इंजन का मतलब बहुत अच्छे से ख्याल रखें। और उसके बाद जो आपका एयर, जहाँ से हवा इसमें खींचा जाता है जिसको बोलते हैं एयर फिल्टर, वहाँ पे लगा होता है, तो एयर फिल्टर को रेगुलरली आप क्लीन करें। लाइक 2000 पे क्लीन करवा दें आप ले जाके अपने सर्विस स्टेशन पे। उससे क्या होगा कि जो हवा खींचती है, हवा और जब पेट्रोल का मिक्सचर जब अच्छा होगा, रिच होगा, तो उससे आपकी बाइक का माइलेज भी बढ़ जाएगा, प्लस आपकी बाइक में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा इसको हवा खींचने के लिए। तो इसकी सर्विसिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि अगर बाइक सर्विस नहीं होगी तो उसमें फ्रिक्शन बहुत आएगा, प्लस ऑयल अच्छा नहीं रहेगा, कचरा उसमें भर जाएगा, जिसकी वजह से आपका इंजन हीट भी करेगा और एट द सेम टाइम माइलेज भी कम देगा। एक चीज़ और का ध्यान देना है कि जो आप पेट्रोल डलवाते हैं, आप एक अच्छे ट्रस्टेड, मतलब इंडिया में ये प्रॉब्लम आती है, ये बाहर प्रॉब्लम ऐसी कम आती है। इंडिया में क्या होता है कि अक्सर जो है पेट्रोल में मिलावटी कर देते हैं, या फिर ऐसा भी करते हैं कि पेट्रोल आपको जो है आपने एक लीटर मांगा, वो ऐसा सेटिंग उसमें किए होते हैं कि आपको सिर्फ 900 मतलब ml मिलता है, आपको मतलब पूरा पेट्रोल नहीं मिलता है, या फिर उसमें मिलावटी होती है, कुछ उसमें मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी इंजन भी ख़राब होता है और आपका माइलेज भी कम आता है। तो ये पेट्रोल का भी ध्यान दें, आप एक ट्रस्टेड और एक अच्छे पेट्रोल पंप पे जाएं। मैं अभी किसी का नाम नहीं ले सकता, बिकॉज़ कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, तो आपको पता होगा अपने एरिया में, आप अपने टाउन में देख लें कि कौन सा जो है अच्छा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा बेटर पड़ेगा। और जो प्रीमियम वाला है 10 रुपये या 5 रुपये का शायद एक्स्ट्रा मिलता है, या 2 रुपये का आई थिंक। मैं तो हमेशा प्रीमियम भरवाता हूँ, मुझे नहीं पता कितना एक्स्ट्रा है, शायद 2-4 रुपये एक्स्ट्रा होता है। तो आप प्रीमियम वाला डलवाएं, उससे क्या रहेगा कि आपका इंजन जो है बिल्कुल साफ़ चलेगा, और जो कार्बन डिपॉजिट्स होते हैं पिस्टन के ऊपर, ब्लैक कार्बन बैठ जाते हैं, वो कार्बन डिपॉजिट कम बैठेगा, ठीक है। तो ये रही कुछ टिप्स, बेसिक टिप्स, जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे आपका माइलेज अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो फ़िलहाल हम AMU के पास आ गए, हम थोड़ा सा बाहर गए हुए थे और इधर से अंदर, लेकिन आपको थोड़ा AMU की थोड़ा साइड दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियोस चेक कीजिएगा। थोड़ी मेहनत तो ऑब्वियसली लगती ही है, और अभी मुझे सब्सक्राइबर की, व्यूज़ की थोड़ी ज़रूरत है, तो आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब आप ये शानदार इवनिंग देखिए, अभी शाम का समय है और बदली है, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं है, इट्स ओवर क्लाउडेड, और इतना भी ज़्यादा बादल नहीं है कि बारिश हो जाएगी, और इतना भी कम नहीं है कि धूप आएगी। तो इट्स परफेक्टली बैलेंस एज एवरीथिंग शुड बी। लुक एट दिस ब्यूटी, आई जस्ट शो यू, लुक एट दिस ब्यूटी ऑफ AMU, कितनी शानदार लग रहा है कि नहीं, वाओ, इट्स जस्ट लुक ब्यूटिफुल, माइंड ब्लोइंग, गॉर्जियस, अमेजिंग। तो कैसा लगा आपको ये लुक,
अगर आपको पसंद है और व्लॉग देखना है, मेरे मोटो व्लॉग्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता दें, हम अगली बार उस टाइप के वीडियोस बनाएंगे और आपको उस टाइप के वीडियोस दिखाएंगे। फ़िलहाल आप तो यही देख लीजिए कितनी शानदार, लुक एट दिस, एंड दिस इज़ मैकेनिकल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल, ओके। और मुझे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करनी है। अगर आपको कभी ज़िंदगी में मौका मिले घूमने का तो आप एमयू ज़रूर आएँ, एक बार ऐसे घूमें, और यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, साफ़ सफाई भी अच्छी रहती है, आप पेड़ के गिर जाते हैं कोई मसला नहीं है, अच्छा लगता है। ओके, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए माशाल्लाह, बाय बाय, खुदा हाफिज़।